अस्सलामुअलैकुम शाहिदीन और नाज़रीन, मैं समीरा खान आपके हमारे अपने महबूब चैनल एसकेएम 91 न्यूज़ पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाली एक गैंग में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जीएचएमसी के एक कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिम समेत 5 अफराद को एहसान नगर पुलिस ने धोखाधही से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, 6 मोबाइल फोन और 19,400 रुपए जब्त किए। गिरफ्तार अफराद में अकुला सतीश कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय जो जीएचएमसी खैरताबाद सर्कल में काम करते थे, मोहम्मद रसूल, सैयद हुसैन इकबाल, आरिफ अहमद और मोहम्मद राशिद सभी ब्रोकर्स थे। दो दीगर अजीज कासिम जीएचएमसी सर्कल 7 के हेल्थ असिस्टेंट और अंकित मफरूर बताए गए हैं। डीसीपी के मुताबिक मरकजी मुलजिम कासिम सतीश की मदद से हर सर्टिफिकेट के लिए 1,000 रुपए वसूल करने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते थे। तरीकाकार के मुताबिक एक दरखास्त को जीएचएमसी के सिटीजन सर्विस सेंटर से रुजू करना होगा और सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देनी होगी। तफसीलात की तस्दीक के बाद सर्टिफिकेट जीएचएमसी के रिकॉर्ड में अपलोड किया जाता है और दरख्वास्त गुजार को मी सेवा सेंटर में सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए जिसमें आम तौर पर तकरीबन 15 दिन लगते हैं। कासिम और सतीश ने ब्रोकर से दरख्वास्तें जमा की, सर्टिफिकेट तैयार किया और एक दिन के अंदर दरख्वास्त गुजार को जारी किए गए। इन्होंने न सिर्फ तैयार शुदा तरखाकार के खिलाफ वर्जी की बल्कि बाद सूरतों में इन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए जिनमें ब्रोकर्स की हिदायत के मुताबिक तारीख दर्ज की गई है ना कि पैदाइश की असल तारीख। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। एसकेएम 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल एसकेएम 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज हमारा एसआर नगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर और जवान मिलकर 5 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 5 लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे जीएचएमसी ऑफिस में। एक सिस्टम है, एक तरीका है सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। पूरा डॉक्यूमेंट मिलके सिटीजन सर्विस सेंटर जाके अप्लाई करना है चालान के साथ। वो लोग हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी और रिकॉर्ड्स वेरीफाई करके अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर अपलोड करना है जीएचएमसी वेबसाइट में। ये एप्लीकेंट मी सेवा सेंटर्स में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस वायलेट करके सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहे हैं ये एजेंट्स। 1,300 to 1,500 रुपीस ले रहे हैं अप्लीकेंट से। ये डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर को डिटेल्स भेज रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ विद डिजिटल सिग्नेचर ये फेक डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं। ये फेक डिटेल्स डाउनलोड करके बेनिफिशियरीज भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें A1 आइजाज कासिम असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ अब्सकॉन्डिंग है। ये A2 आकुल सदीश, A3 मोहम्मद रसूल, A4 सैयद हुसैन इकबाल, A6 आरिफ अहमद और A7 मोहम्मद रशीद को आज पकड़ा है। कासिम का 2 अब्सकॉन्डिंग है, ऐजाज कासिम और अंकित अब्सकॉन्डिंग है। इसमें ऐजाज कासिम हेल्थ असिस्टेंट ऑफिसर है, अंकित एजेंट है। एक सर्टिफिकेट के लिए ये लोग 1,300 ले रहे हैं। हाँ, अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। वो लोग गलत डेट ऑफ बर्थ दिए है क्या? हॉस्पिटल फी थोड़ा केस में हॉस्पिटल भी गलत हॉस्पिटल का नाम दिए है वो लोग। ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हम लोग एक्शन ले लें। अभी एजाज कासिम इज़ द असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर फॉर हेल्थ इन जीएचएमसी। उनका ऑपरेटर का नाम आकुला सतीश है। ये दोनों मिलके 4-5 एजेंट को लगा हुआ है। एजेंट्स अप्लीकेंट से डिटेल्स लेके ये व्हाट्सएप ऑपरेटर आकुला सतीश को व्हाट्सएप करते हैं। आकुला सतीश AMOH से डिजिटल सिग्नेचर लेके अपलोड कर देते हैं। ये मेन ऑफिस में रहते हैं ये आकुला सतीश। हाँ, जीएचएमसी खैरताबाद।